सो गाइस, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपना जो स्पाइडरमैन रिमास्टर है जो उसको इजीली डाउनलोड एंड प्ले करना चाहते हैं, वो भी मेरिट रहा? तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना जो स्पाइडरमैन रिमास्टर है उसको इजीली यहाँ पे प्ले कर पा रहा हूँ अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर 2023 में न्यू ट्रिक के साथ में। सो गाइस, अगर आप लोगों को अपनी स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के ऊपर डाउनलोड करना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो उसके ऊपर आए हैं। एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है इसे किस प्रकार से जो है अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो है डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी इजीली वन स्टेप ट्रिक के अंदर। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपको इसको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को जो मैं ट्रिक एंड मेथड बताने वाला हूं उसको यूज करने के बाद आप लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर भी आपका स्पाइडरमैन रिमास्टर इजीली डाउनलोड एंड प्ले हो जाता है तो आप लोगों को अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि आप लोगों को अपना स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन जो है वो कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। सो गाइस, इसको डाउनलोड एंड प्ले करने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने स्पाइडरमैन रिमास्टर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा। आप लोगों को जो है अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार वाले आइकन पे आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडरमैन रिमास्टर लिख के सर्च करना है या फिर आप लोग जो है स्पाइडरमैन लिख के सर्च कर सकते हैं। इतना लिख के सर्च करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपका जो स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है तो आप लोगों को जो है अपना रिमास्टर भी बाद में लिख देना है। इतना करने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम, मार्वल फ्यूचर रिवोल्यूशन, स्पाइडर फाइटर 2, मार्वल फ्यूचर फाइट 2। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं बट आपको जो रियल वाला स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, अब आप लोग बोलेंगे कि भैया जो आप लोगों ने हमें शुरू में जो है गेम खेल के दिखाया वो हमें कहाँ पे और कैसे डाउनलोड करना है एंड किस प्रकार से जो है हमें उसकी APK प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी प्रोवाइड कराना चाहूँगा आप लोगों को APK। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसकी APK जो है फिलहाल यहाँ पे प्ले स्टोर पे तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद जो है आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना स्पाइडरमैन रिमास्टर गेम को जो है इजिली डाउनलोड एंड प्ले कर पाएंगे। सो गाइज, वो ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फाइनली आप लोगों को अपनी होम स्क्रीन पर आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पे एक चीकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप लोगों को ये ऐप चीकी एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने प्ले स्टोर के ऊपर आना है एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे टैप करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को आके जो है चीकी लिख के सर्च करना है। जैसे आप लोग चीकी लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है आपका चीकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक एमुलेटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लोगों को जो है आपका स्पाइडरमैन रिमास्टर गेम जो है मैं इजीली यहाँ पे डाउनलोड एंड प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने चीकी एप्लीकेशन के ऊपर आना है एंड इसको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करना है। अगर किसी मोबाइल फ़ोन में अपडेट्स वगैरह आया हुआ है किसी के चीकी एप्लीकेशन का तो उसको सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको फाइनली बैक आना है एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने चीकी एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग चीकी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया चीकी एप्लीकेशन के अंदर तो हम आ गए, अब हमें जो हमारा स्पाइडरमैन रिमास्टर है वो हमें कहाँ पे किस तरह से देखने को मिलने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ सर्च बार वाले आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा स्पाइडरमैन रिमास्टर, तो आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे प्ले की बटन देखने को मिल रही होगी। आप लोग इसके अंदर बेफिक्र होकर अपना स्पाइडरमैन रिमास्टर खेल सकते हैं बिना किसी लैग प्रॉब्लम के द्वारा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको उसको प्ले बटन पे टैप करना है एंड अब आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग अगर सिंगल खेलना चाहते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे टैप करके प्ले बटन पे टैप करना है। अगर आप लोग सिंगल खेलना चाहते हैं तो आप लोगों सिंगल पे टैप करके यहाँ पे प्ले बटन पे टैप कर देना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्वल स्पाइडरमैन रिमास्टर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे 5 कॉइन जो है प्रति मिनट देना पड़ेगा। इतना करने के बाद गाइस आपको इस पर प्ले पे टैप कर देना है एंड अगर आप लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास कॉइन नहीं है तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है यहाँ पे कॉइन्स कहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास कॉइन्स नहीं है तो आप लोगों को अपने होम स्क्रीन पे आना है एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को जो है कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको बहुत सारे अनलिमिटेड कॉइन्स मिल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको मी वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आपको कॉइन्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ मिशन दिए जाते हैं जिनको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा
और आपके जो है यहाँ पे इजिली कॉइन्स भी मिल जाएंगे और आप लोग अपने स्पाइडरमैन रिमास्टर गेम को भी खेल पाएंगे। इतना करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को अपना जो स्पाइडरमैन रिमास्टर ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने उसको लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद स्पाइडरमैन रिमास्टर पे जैसे मैं टैप करता हूँ, प्ले पे टैप करता हूँ, तो प्ले पे टैप करने के बाद गाइस मेरे सामने जो है कुछ इस तरह का ऐड वगैरह आएगा एंड इसको कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे क्विक स्टार्ट होती है जो आपकी 4 से 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, फिर 4 से 5 मिनट भी लग सकती है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो क्वी है यहाँ पे कंप्लीट होने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंप्लीट होती है तो यहाँ पे एंटर का बटन आपको टैप कर देना है। जैसे आप एंटर पे टैप करते हैं तो आप लोग जैसे एंटर पे टैप करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आने के बाद गाइस आप लोगों का जो स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन है इसलिए आपके मोबाइल फोन के ऊपर यहाँ पे प्ले हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों को जो आपके कंट्रोल्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। गाइस मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो एडवेंचर है एंड इसकी जो स्टोरी मोड है वो आपको यहाँ पे देखनी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन के ऊपर जो मेरा स्पाइडरमैन रिमास्टर है वो इजीली यहाँ पे प्ले हो चुका है और यहाँ पे ये मार्वल कंपनी का है तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये इजीली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता, तब तक मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ मैं इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे स्टोरी मोड वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और मेरे कंट्रोल्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और जो मेरे पिंक है MS वो भी मेरे को बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस गेम के ऊपर एंड इस चीकी एमुलेटर एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस जो मैं आपको ट्रिक एंड मेथड बता रहा हूँ आपको उसको सेम टू सेम यूज करना है और आप लोग भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो है अपना स्पाइडरमैन रिमास्टर एप्लीकेशन इजिली बिना डाउनलोड के ही खेल पाएंगे अपने मोबाइल फोन के ऊपर। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीटर पार्कर जो है हमारा उनका जो यहाँ पे मोबाइल फोन भी रिंगिंग हो रहा है और यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे स्टोरी मोड आपको देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पे इनको कॉल आ रहा है कि आपको कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। सो गाइज मैं इसको थोड़ा और आगे कर देता हूं। सो गाइज जैसे मैं इसको आगे कर देता तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे हमारा जो स्पाइडरमैन रिमास्टर है इजिली हमारे मोबाइल फोन के ऊपर प्ले हो पाता है और हम जिस चाहे दीवार के ऊपर यहाँ पे बैठ जाते हैं जाके अपने स्पाइडरमैन मकड़ी जाल को डालकर। सो गाइज आप लोगों को भी इसको सेम टू सेम ट्रिक को यूज करना है एंड आप लोग भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर आपका जो स्पाइडरमैन रिमास्टर है उसको इजिली यहाँ पे प्ले कर पाएंगे मेरी ट्रिक को यूज करने के बाद। तो चलेगा इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जो मेट्रिक एंड मेथड बताया उसको सेम टू सेम यूज करें एंड आप भी अपने मोबाइल फोन के ऊपर इजिली अपना स्पाइडरमैन रिमास्टर इजिली यहाँ पे प्ले कर पाएंगे।